हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत सुंदर सा डिजाइन लेकर आई हूँ। इसको आप बेबी स्वेटर, लेडीज कार्डिगन, जेंट स्वेटर किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं। और इसमें 8 के मल्टीपल्स पड़ते हैं, 2 स्टिचेस डिजाइन को एडजस्ट करने के लिए और 2 एच स्टिचेस स्टार्टिंग का और आखिर का। तो इसमें मैंने 8 के मल्टीपल्स 24, 8 + 8 + 8 24 एंड 2 एक्स्ट्रा स्टिचेस 26 और 2 एज स्टिचेस 28 स्टिचेस डाले हैं। तो ये हमारी राइट साइड है, फर्स्ट रो। एज स्टिच को हम उतार लेंगे, उसके बाद 2 फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे। 8 स्टिचेस का डिजाइन है ना, 2 स्टिचेस तो इसके गैप होता है और 6 स्टिचेस पे केबल पड़नी है। तो 6 स्टिचेस के लिए पहले इन 2 फंदों में 2 का हम 1 कर देंगे और इस फंदे को बिना गिराए आगे वाले फंदे को हम बुन लेंगे और इसको छोड़ देंगे। सेम हम ऐसे ही यहां करेंगे, 2 फंदों का 1 करेंगे और आगे वाले फंदे से सीधा बुन लेंगे। दो फंदों का 1 करेंगे और आगे वाले फंदे से बुनेंगे और इसको छोड़ देंगे। तो ये 8 फंदों का है ना, तो ये हमारा एक सेट कंप्लीट हो गया। अब हम इसके दूसरे सेट पे हैं। तो 2 फंदों को हम उल्टा बनाएंगे और सेम जैसे हमने पहले सेट में किया था, 2 फंदों का 1 करके आगे वाले फंदे को बुनेंगे। इसको गिराते नहीं है और इसी से दूसरा फंदा बुनते हैं, तो 2 फंदे रह जाते हैं। ये देखिए, इसी तरह हम ये वाली रो कंप्लीट करेंगे। तो हम इसकी सेकेंड रो पे आ गए, सेकेंड रो रॉन्ग साइड। एच स्टिच को उतार लिया और जो फंदे वो पीछे उल्टे बुने थे, ये देखिए ये सीधे की लाइन आ रही है, इसको सीधा बुनाना है। और 6 फंदे जो सीधे बुने थे उनको उल्टा बनाना है। जो फंदा हमें जैसा दिख रहा है हमें वैसा ही बनाना है। ये सीधे दिख रहे हैं तो इनको सीधा बुनना है, जो उल्टे दिख रहे हैं उनको उल्टा बुनना है। ये 4 रोज का डिजाइन है। सेकंड और 4 रो हमारी सेम है, फर्स्ट और थर्ड डिफरेंट है। ये 2 फंदे जो ये देखिए लाइन दिखती है ना, पता लग रहा है कि दोनों सीधे हैं, तो ये दोनों हमने सीधे बनाने हैं। क्योंकि ये रॉन्ग साइड है तो हम इसको उल्टा बुनेंगे। अब हम इसकी थर्ड रो पे आ गए, एज स्टिच को उतार लेंगे और ये जो शुरू के 2 फंदे हैं इनको उल्टा बुनेंगे। अब ये जो हमारे 6 फंदे हैं, पहले हमने इन 6 में डिजाइन करके डाला था, अब इन 2 में आगे के 2 और पीछे के 2 इनमें नहीं डालना, बीच वाले में डालना है। तो इसको 2 फंदों को हम सीधा बुन लेंगे और फिर इन 2 फंदों में 2 फंदों का 1 कर लेंगे और आगे वाले फंदे को बुन लेंगे, फिर 2 फंदों को हम सीधा बुन लेंगे। ये हमारी 8 फंदे कंप्लीट हो गए,
फिर से ये डिजाइन रिपीट करेंगे। दो फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे, छह में जो शुरू के दो हैं उनको सिंपल सीधा बुन लेंगे और तीसरे और चौथे फंदे को दो का एक करके इसमें से इसको निकाल लेंगे और दो फंदे हम सीधे। फिर से हमारा ये नेक्स्ट तीन सेट है ना, इसमें 24 स्टिचेस का वो है, पहले दो फंदे सिंपल, फिर इन दो फंदों का हमने एक करना है और ये दो फंदे सीधे। ये जो आखिर के दो फंदे हैं डिजाइन को एडजस्ट करने के लिए, इनको उल्टा ही बुन लेंगे। अब चूंकि हमारी राइट साइड है तो एस स्टिच सीधा। ये इसकी थर्ड रो कंप्लीट हो गई। अब हम इसकी फोर्थ रो पे हैं। फोर्थ रो में एस स्टिच को उतार लेंगे। अब ये देखिए लाइन दिख रही है सीधे की, इसको जो फंदा हमें जैसा दिख रहा है उसको हमें वैसा ही बनाना है जैसे कि हमने सेकेंड रो में करा था। ये देखिए फोर्थ रो कंप्लीट हो गई और ये डिजाइन हमारा कुछ इस तरह बैठता है। देखिए कितना प्यारा लग रहा है। तो अगर आपको मेरा ये डिजाइन पसंद आया है और मेरा समझाने का तरीका पसंद आया है तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।